Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि रक्त को शुद्ध करने के लिए हमने एसिड अल्कलाइन डाइट को फॉलो करना है. एसिड अल्कलाइन डाइट फॉलो करने से क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं वो दूर होने लगेंगी और हमारे चेहरे पर ग्लो लाने के लिए जो ब्लड है वो प्योरीफाई होने लगेगा. तो अब हमने थर्ड लेवल पर जाना है. जो एसिड अल्कलाइन डाइट है उसको हम अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे आमतौर पे अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी को चोकर युक्त आटे की बनाएं और उसमें हरी सब्जियां भरकर बनाएं. जैसे कि आप उसमें पत्तेदार सब्जी भर सकते हैं या उसमें साग भर सकते हैं. यानी कि किसी भी तरह से आप अपनी डाइट में अल्कलाइन पार्ट को बढ़ा देंगे तो आपका जो रक्त है वो, आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होने लगेगा. थर्ड जो आपकी त्वचा की सबसे गंभीर समस्या है वो इसलिए आती है क्योंकि पेट में गर्मी बढ़ जाती है. आम तौर पर त्वचा की जितनी भी बीमारियां हैं उनका केवल एक ही इलाज हमने किया है और उसका बहुत अच्छा असर आया है, और वो है कि पेट की गर्मी को दूर करने के लिए आप प्राकृतिक रूप से क्या कर सकते हैं, आप ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक पट्टी ले लीजिए, ठंडी पट्टी, यानी कि एक टावल ले लीजिए, वाइट कलर का ले लीजिए तो बेहतर है, नहीं तो कोई भी मोटा टावल ले लीजिए. मोटे टावल को पानी में गीला करके और आप उसको पेट के ऊपर पूरा कवर कर दीजिए लगभग आधे घंटे के लिए. इससे क्या होगा कि आपके पेट के अंदर जो गर्मी है वो दूर होने लगेगी और त्वचा पे आने वाले विभिन्न प्रकार के विकार, जिसमें ज़्यादातर एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लग जाएंगे. और चौथा ये है कि आपने अपने आप को प्रसन्न रखना है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो खुश रहने से और ज़्यादा निखरती है. जब हम खुश रहते हैं, जब हमारे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें हार्मोन सीक्रेट होता है सेरोटोनिन, जो हमको एक तरह से अंदर से ग्लो देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी वाइटालिटी को बढ़ाता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ देता है और हम लड़ पाते हैं इन्फेक्शन के साथ. और इस टाइम तो उस स्ट्रेंथ की वैसे भी बहुत ज़रूरत है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो इस प्रकार इन चार बातों का हर समस्या के साथ आप जोड़ के देखेंगे तो आपको त्वचा पर बहुत अच्छा असर मिलेगा. तो आइए अब देखते हैं कि त्वचा के ऊपर क्या लगाएं. जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं आपको एक टोटल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताती हूँ कि ड्राई स्किन के लिए क्या करना है. तो ड्राई स्किन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक ऑयल चाहिए. ऑयल सबसे बेस्ट है, या तो एप्रिकॉट ऑयल यूज़ कीजिए या बादाम का तेल यूज़ कीजिए, और सूर्यमुखी का तेल भी बहुत अच्छा है. आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक तेल या दो तेल या तीनों तेलों का मिश्रण बना लीजिए और रात को सोते समय आप रोज अपने चेहरे पर लगाएं. लगाने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने आमंड ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल और सूर्यमुखी का तेल, इन तीनों को आपने इक्वल रेशियो में लेके एक बॉटल में भर के रख दिया. ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है. रात को सोने से पहले आप अपना चेहरा अच्छी तरह साफ कीजिए गर्म दूध के साथ में, यानी कि थोड़ा सा दूध गर्म कर लीजिए और उसको कॉटन में लेकर अपने फेस को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए. और उसके बाद जब आपने ऑयल लगाना है, पूरे फेस पर ऑयल लगाना है, और आपको कुछ पॉइंट्स मैं दिखाने जा रही हूँ. जब आप इन पॉइंट्स को साथ साथ में दबाएंगे तो आपके अंदर जो चेहरे का निखार है वो बहुत अच्छे से आने लगेगा, क्योंकि ये खास पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम इनको बोलते हैं. तेल लगाने के बाद, चेहरे पर ऑयल लगाने के बाद आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट कीजिए और हल्का हल्का मसाज कीजिए. जिन पॉइंट्स को हमने लाल रंग का बनाया है इनको आप मसाज कर सकते हैं, और जिन पॉइंट्स को हमने ब्लैक कलर का बनाया है आप इन पॉइंट्स को हल्का हल्का दबा सकते हैं. तो ध्यान से देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप अगर रेगुलर अपने फेस के ऊपर करते हैं, और इन पॉइंट्स को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तेल लगाना है, आप वैसे भी अपने इन सारे पॉइंट्स को करते रहिए. एक बारी में इन पॉइंट्स को लगभग 30 सेकंड तक दबाना है. जहां पर रेड कलर के मार्क्स हैं, यानी कि आंखों के ऊपर नीचे और यहां पर थर्ड आई चक्रा पर चिन के ऊपर, इनको आपने मसाज करना है. और जो बाकी के पॉइंट्स हैं आपने इनको 30 सेकंड तक स्टिमुलेट करना है या 30 सेकंड तक दबाना है. ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके फेस के ऊपर मसाज देने का. आप इसको घर में भी कर सकते हैं.
सबसे आसान बात यह है कि अगर आप इसको घर में करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें। आप सिंपली रोज सुबह उठकर भी इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये आपके पूरे चेहरे का जो रक्त संचरण है उसको प्रॉपर कर देता है, ये आपके पूरे चेहरे के ऊपर स्टिमुलेशन देने लग जाता है और ग्लो को बढ़ाने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है कि इसी ऑयल को हमने लास्ट में लिम्फैटिक ड्रेनेज देना है। लिम्फैटिक ड्रेनेज के लिए हमें खास तौर पे इस जगह पर इन दो उंगलियों से मसाज करते हुए यहां से और यहां से नीचे लेके जाना है। सिर्फ इतनी सी मसाज अगर आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फेस के ऊपर जो झुर्रियां हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने लग गई हैं। जो लिम्फैटिक ड्रेनेज के पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रही हूं उसकी भी मैं आपको फोटो दिखा देती हूं। ये देखिए, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को यदि आप डेली स्टिमुलेट करते रहेंगे और नीचे की तरफ मसाज लेके जाएंगे तो आपके चेहरे पर जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है वो प्रॉपर होने लग जाएगा। इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये देखिए कि फेशियल करने के लिए हमें कोई खास मसाज की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने ऑयल लगाया, इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करा जो आपको अभी हमने दिखाए हैं और यहां से मसाज करके इसको नीचे लेके चले गए। तो ये है सिंपल फेशियल और आप ये रोज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट लगते हैं, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है और इस तरह से ड्राई स्किन के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। अब ड्राई स्किन पर पैक क्या लगाएं? ड्राई स्किन पर पैक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बादाम ले लीजिए, उसको रात को दूध में भिगो दीजिए। रात को जब आप दूध में बादाम भिगोएंगे तो वो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। सुबह आप उसको थोड़ा सा दूध और डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिए। जब आप उसकी पेस्ट बना लेंगे, अब आप इसमें कुछ बूंदें बादाम का तेल और थोड़ा सा गाजर का जूस डालिए। आप इसमें गाजर का जूस डाल सकते हैं, आप इसमें टमाटर का जूस डाल सकते हैं और आप इसमें पत्ता गोभी का जूस भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, खनिज हैं, हर तरह से विटामिन ई और ए का भरपूर इसमें आपको सामान मिलता है जो आपकी स्किन की टाइटनेस को मेंटेन करता है। तो ये एक ऐसा फेस पैक है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत कमाल का काम करता है। आप इसको पेस्ट बना लीजिए, हफ्ते में एक बार, माने कि एक सप्ताह में एक बार आप इसको लगाएं और पूरे फेस पर लगाकर छोड़ दीजिए लगभग 20 मिनट के लिए। उसके बाद हल्का हल्का स्क्रब करके जब आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा एक नए ही रूप में आ गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने का ज़रूरी है कि आप ज़्यादा स्क्रब ना करें मुंह के ऊपर। बहुत ज़्यादा स्क्रब करने से आपकी जो ऊपर की त्वचा है वो उतर जाती है और जो नमी वाली आपकी जो बेबी सॉफ्ट स्किन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाती है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस तरह का कोई फेस पैक लगाएं तो बाद में जो मैंने ऑयल बताया उसको ज़रूर फेस पर लगाएं। तो अब आइए देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये स्किन ड्राई क्यों है। ड्राइनेस का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है वास्तव में जब हमारे शरीर में खुश्की बढ़ जाती है। आमतौर पे ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन जरूर होती है, 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन जरूर होती है। तो आप सबसे पहले आप उपचार कीजिए कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। उसके लिए ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फुजला लें, आप कोशिश कीजिए कच्चा भोजन ज़्यादा खाएं और सच बताऊं तो अंकुरित गेहूं का दलिया, अंकुरित गेहूं को दलिए को अगर हम गाय के देसी घी में बनाएं और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाएं तो ये एक कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज है। तो इस प्रकार आपने और भी बहुत सारे इलाज कॉन्स्टिपेशन के हमारी इस फेसबुक पेज पर देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपसे बात की होगी कि नेचुरोपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं थोड़ा सा ही टाइम ले सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी बालों के बारे में भी बताना है। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट्स सब्जियाँ खाएं, मैदा बिल्कुल ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने डाइट में से चाय कॉफ़ी कम कर दीजिए। जितना ज़्यादा शुद्ध आहार लेंगे उतनी जल्दी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और ड्राई स्किन की समस्या भी आपकी कम होने लग जाएगी। अब आ जाते हैं मनस्थिति पे। कुछ कारण तो है कि ड्राइनेस क्यों बढ़ रही है। तो मनस्थिति में हमने एक्यूप्रेशर में देखा है कि जब आपके आपके मन में बहुत उदासी रहती है, आपकी जो सोच है उसमें स्ट्रेस रहता है, तो ड्राइनेस का कारण एक ये भी बनता है कि आप खुश रहिए। और खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने हालात को एक्सेप्ट करिए। कोशिश कीजिए कि आप शुक्र करें कि जो है बहुत अच्छा है। तो
ज्यादातर मैंने देखा है कि बहुत लोग सिर्फ बाहर से उदासी का आवरण ले लेते हैं, क्यों, टीवी पर सीरियल देख लेते हैं दुखी वाले और दुखी होने लग जाते हैं, ये नहीं पता कि उसका प्रभाव आपकी मन स्थिति पे, आपकी इमोशंस पे और फिर आपके शरीर पर और फिर आपकी त्वचा पर आ रहा है। तो उससे अच्छा आप कोशिश कीजिए कि खुशनुमा बनिए और खुशनुमा रहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ड्राई स्किन का इफेक्ट हमने किस तरह से दूर किया। तो अब आइए आते हैं ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन की समस्या एक आम समस्या है। ऑयली स्किन में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं, हमारे जो त्वचा के ऊपर रोम छिद्र हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके चेहरे की जो त्वचा है वो चिपचिपी होने लग जाती है। चिपचिपी त्वचा को दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ठंडी पट्टी, अभी मैंने पहले बताया, ठंडी पट्टी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। वो आपके शरीर की गर्मी को कम करता है, आपके पेट के अंदर जो गर्मी है उसको कम करता है, लिवर और गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी को नॉर्मल करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ओवर एक्टिवेटेड लिवर और गॉल ब्लैडर की वजह से भी ऑयलीनेस बढ़ जाती है। तो ठंडी पट्टी आपका पहला इलाज है। दूसरा, आप अपने चेहरे पर क्या लगा सकते हैं, आप अपने चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर और गाजर के जूस का इस्तेमाल कीजिए। टमाटर, गाजर और नींबू का रस, इसको निकाल लीजिए और इसका पैक बना लीजिए मुल्तानी मिट्टी के अंदर। मुल्तानी मिट्टी में जब आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पैक बनाएंगे और आप अपने चेहरे पर लगातार लगाएंगे तो देखेंगे आपकी धीरे धीरे आपके चेहरे की जो ऑयलीनेस है वो कम होने लग गई है। आप आमतौर पर भी यही कर सकते हैं। टमाटर का इस्तेमाल बहुत करिए, खीरे का इस्तेमाल बहुत करिए, छोटे छोटे पीसेज में काटकर आप उसको अपने पूरी त्वचा के ऊपर रगड़ सकते हैं। एक बहुत सिंपल रेमेडी बताती हूँ मैं आपको कि खीरे का जूस निकाल लीजिए और खीरे के जूस में थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा, आप गुलाब जल, खाली गुलाब जल भी ले सकते हैं, लेकिन खीरे के जूस में गुलाब जल को मिक्स करके अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये आपका एक लगभग सप्ताह भर चलता है। आप दिन में 2-3 बार इस तरह का जो टॉनिक है अपने फेस के ऊपर डैब कर सकते हैं। ये आपके रोम छिद्रों को बंद करता है। जैसे जैसे आपके रोम छिद्र बंद होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्किन के ऊपर ऑयलीनेस है वो कम होने लग गई है। अगर आपके चेहरे पर ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स बनने लग गए हैं तो फिर मैं दोबारा बोलूँगी कि ठंडी या पट्टी का इस्तेमाल दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। कच्चा भोजन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जूस डाइट पे जा सकते हैं। टमाटर का और गाजर का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो फेस पैक एक्नी के ऊपर लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत अमेजिंग फेस पैक है। उसके लिए आपको चाहिए धनिए और पुदीने का रस, या आप उसकी चटनी बना सकते हैं। धनिए और पुदीने को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इसमें लगभग 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर, जो आपके पास अवेलेबल है उसको डालिए और फेस के ऊपर लगाइए। 2-3 बूंदें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये भी आपकी त्वचा को बहुत अच्छा इफेक्ट देगा अगर आपके फेस पर एक्नी है। तो एक्नी के लिए सिंपल मुल्तानी मिट्टी का आप पैक लगाना चाहें वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्नी के मैंने आपको 2-3 फेस पैक बता दिए। अब डाइट पे आते हैं कि एक्नी है तो डाइट में क्या ध्यान देना है। खास तौर पे देखिए, डाइट में आपको तला हुआ भोजन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाना और खास तौर पे प्रिजर्व्ड फूड को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। प्रिजर्व्ड फूड को बंद करने पड़ेगा का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप जो भोजन आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, यानी कि रखा हुआ है, यानी बिस्किट्स हैं, रस हैं, मट्ठी हैं, इस तरह का भोजन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको बहुत नुकसान देगा। आपको ताज़ा भोजन खाना है, कच्चा भोजन खाना है, ठीक है। सो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप डाइट में चेंज करेंगे तो एक्नी का भी फर्क पड़ेगा। एक्नी के केस में आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़े से नीम की पत्ती ले लीजिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए, छानकर उसका पानी रखिए और दिन में 3-4 बार आप स्प्रे की तरह इसको अपने फेस पर लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा अगर आपके फेस पर एक्नी है। तो आइए अब इसके आगे जानते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ और बताया जा सकता है, लेकिन मैं आज आपको डिटॉक्स के बारे में कुछ खास बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप किसी भी तरह की अगर आपकी त्वचा है तो आप ऐसा क्या खा सकते हैं कि आपकी त्वचा पर ग्लो भी आ जाए और आपकी त्वचा की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाए। तो इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपने हरड़ का पाउडर हफ्ते में एक बार लेना है। हरड़ का पाउडर 1/2 चम्मच अगर आप हफ्ते में एक बार लगातार लेते रहेंगे तो ये आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है
और आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सौंदर्य पाउडर जो आमतौर पर सबको सजेस्ट करती हूँ और जो आपको बहुत बेनिफिट देता है बालों को, आंखों को, स्किन को, बहुत सिंपल है, ये जरूर बना लीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए है, अगर रेशियो बताऊं तो लगभग 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर, उसके बीच में आप मिक्स कर सकते हैं लगभग 20 से 30 ग्राम मिश्री का पाउडर। फिर बता देती हूँ एक बार, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर और लगभग 20 से 30 ग्राम स्वाद अनुसार आप इसमें मिश्री मिक्स कर सकते हैं, मिश्री का पाउडर मिक्स कर लीजिए। इसको पाउडर बनाकर रख लीजिए और रोज रात को सोने से पहले इस मिश्रण का लगभग एक छोटा चम्मच लीजिए। ये मिश्रण ऐसा है कि आप जिंदगी भर ले सकते हैं, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपकी आंखों की सेहत अच्छी रखेगा, यहाँ तक कि लंबे समय तक जिन्होंने लिया है वो ये भी बताते हैं कि उनके नए बाल भी उगने शुरू हो गए हैं, बाल झड़ना भी बंद हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आप लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लॉन्ग टाइम इसका इफेक्ट पता चलेगा अपनी स्किन पे भी और अपने बालों पे भी। इसके अलावा जो डाइट में हमने ध्यान रखना है, पहली बात एसिड अल्कलाइन का बैलेंस रखना है, दूसरा मैंने ये आपको पाउडर बताया, तीसरा मैंने आपको बताया हरड़ का पाउडर, आप वो जरूर लेती है, हफ्ते हफ्ते में एक बार लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करके स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपना सौंदर्य भी बरकरार रख सकते हैं। आइए अब थोड़ी सी बात बालों की भी कर लेते हैं। बालों में क्या समस्याएं आती हैं, आमतौर पर बालों में हमने देखा है समस्याएं आती हैं कि बाल झड़ते हैं, बाल बहुत पतले हैं, या बालों में ग्रोथ नहीं है, या बालों में डैंड्रफ है। देखिए पेट की गर्मी, गर्मी का एक स्वभाव होता है, गर्मी ऊपर की तरफ जाती है, तो जो पेट की गर्मी है वो आपके सिर की तरफ जब जाती है तो उसकी वजह से आपके बालों के अंदर हीट की वजह से झड़ना शुरू होने लग जाते हैं। आप ये देखिए कि जो डैंड्रफ है वो भी एक तरह से क्या है कि आपकी जो डेड स्किन बालों में से निकल रही है वो डेड स्किन जो है पूरी तरह से जब हटती नहीं है तो इस तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं।